हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अर्निंग्स वीडियो। कल है थर्सडे, राइट? एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ट्रेड बन रहे हैं हमारे पास, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, सेलिंग जोन्स हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, हमेशा की तरह मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, राइट? अच्छा, सबसे पहले कल का डिस्कस करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि आज का क्या सीन रहा था, क्या मार्केट में ट्रेड्स बने थे। अगर आपने कल, मैंने आपको बना के दी थी वीडियो, राइट? आप सबने देखी होगी, मैंने आपको कल ये वाली ट्रेड पैटर्न की वीडियो शेयर की थी, राइट? आज के लिए थर्सडे, आज वेंसडे के लिए कि आज कौन सा ट्रेड लेना था हमें, तो उस वीडियो में आपको समझाया हुआ था, राइट? मैंने बताया हुआ था बैंक निफ्टी के ये ट्रेड्स आपको दिए थे। बैंक निफ्टी में मैंने क्या दिया था, ये वाला ट्रेड, इस लेवल के ब्रेकआउट पे हमें कॉल का ट्रेड लेना था, रिटेस्ट पे आराम से मार्केट ने पूरा टारगेट दिया। इस वाले ट्रेड में अपना 2700 रुपये का पर लॉट तक का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ गया था, राइट? यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन की वजह से थोड़ा सा मैंने पोजीशन साइजिंग जो है अपनी कम की थी, बट फिर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया, क्योंकि आप देखो प्रॉफिट पर लॉट 2700 रुपये का हुआ है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया इसने। तो आपने इस वाले ट्रेड में कितना प्रॉफिट किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसके बाद बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे भी अपना ट्रेड था, इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना था, राइट? बट मैंने आपको इसके बारे में मना कर दिया था कि ये ट्रेड मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये सेफ नहीं है। आपने अगर टेलीग्राम पे अपडेट देखा होगा मेरा, राइट? देखो टेलीग्राम पे आपको मैंने इस वाले ट्रेड के बारे में जब ये ब्रेकआउट मिला था, ये रहा, देखो ये सुबह ही मैंने बोल दिया था, ये रहा कि ये जो बैंक निफ्टी का ये लेवल है, ये वाला, ये देखो 45331, इसके नीचे ब्रेकआउट अच्छे से नहीं मिला है, ब्रेकआउट सही नहीं मिला है। मैं इसको प्रॉपर ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करूंगा। प्लस इस वॉइस नोट में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, एंड फिर से एक बार मैंने रिमाइंडर भी दिया था, इन केस अगर कोई रह गया हो जिसने ये ना सुना हो, तो मैंने आपको फिर से बोला था कि सुन लेना इसको। एंड आई होप आप सबने सुना होगा उसको और अपना जो ट्रेड है यहाँ पे पुट का बचा लिया हुआ, राइट? क्योंकि ये यहाँ पे सही से ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, अच्छा ब्रेकआउट नहीं था। एनीवेज, यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं बना, उसके बाद ये वाला ट्रेड बना बहुत अच्छा। मार्केट ऑल दो और भी ज़्यादा ऊपर गया था, बट टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे सारे लॉट्स एग्जिट मार दिए थे। अगर हम बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी का भी यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था आपको, इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना था, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा यहाँ तक यहाँ पे फंस गया, तो आई होप आप लोगों ने अपना प्रॉफिट कर लिया होगा। इसमें 1600 1500 1600 रुपये का पर लॉट प्रॉफिट आपका हुआ होगा, राइट? तो आप लोगों को बताना मुझे कमेंट करके कि निफ्टी का ट्रेड लिया था आप लोगों ने या बैंक निफ्टी का, और कितना प्रॉफिट किया, राइट? मुझे बता देना ज़रूर, ठीक है, कि आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, क्योंकि आप लोग मुझे बताते नहीं हो, तो मुझे पता लगता नहीं है कि आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, क्या रीज़न है, जो भी चीज़ है मुझे बता दिया करो कॉमेंट में। मतलब ऐसे बैठे मत रहा करो, ठीक है, मुझे बताया करो। एनीवेज, अब ये हो गया अपना, एक बार अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए अपने क्या ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, राइट? आज का दिन बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल डे था आज। एनीवेज, देखो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कल के लिए जो भी अपना ट्रेड प्लान बताने वाला हूँ, सो मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से सुनना, अगर आप नए हो तो, ठीक है, ध्यान से सुनना, इग्नोर मत करना चीज़ों को, जो मैं बोलूँ ध्यान से समझना उस बात को। प्लस जो भी मैं आपको इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड बताने वाला हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जो मैंने आपको ये बताया, ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, अगर आप मेरी इस वीडियो के बेस पर ट्रेड जो है लेने वाले हो कल मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर हमें कोई ट्रेड प्लान, कोई ट्रेड जो है अवॉइड करना पड़े, तो मैं आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे पहले ही अपडेट करके बता दूंगा, रिस्की है जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे अपडेट करके लाइव मार्केट में बताऊंगा, तो वो भी आपको फॉलो करना है साथ में, ठीक है? और जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, बस यही एक टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा कोई और नहीं है, यही है बस, इसके अलावा कुछ भी आपको और दिखता है तो वो फेक है। तो मेक श्योर कि आप फेक वाले में ना जाओ, फ्रॉड वाले में ना जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, एंड दिस इज फ्री फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, तो ये जो है ज्वाइन कर लेना जरूर, तभी आप इस वाली वीडियो के बेस पे ट्रेड करोगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो है वो वाला टेलीग्राम का मैंने डाल रखा वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के अपने क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। देखो निफ्टी में हमारे पास ये वाला लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है अपना निफ्टी का, एक सेकेंड, यस, सो निफ्टी का हमारे पास ये वाला लेवल है, और ये जो लेवल है आपका आ रहा है यहाँ पे, देखो 20,111, 20,111 का ये लेवल है। निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है, कहीं पे भी अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है निफ्टी, एंड नीचे अगर ओपन होता है इस लेवल के यहाँ पे कहीं पे भी, एंड निफ्टी फिर इस लेवल के ऊपर जाके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए अगर इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, राइट? जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। अब देखो ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है, बहुत अच्छा टारगेट है, देखो अराउंड 80 पॉइंट्स का मेरे ख्याल से टारगेट है, 75-80 पॉइंट्स का टारगेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जूम कर लिया, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये लेवल है अपने पास, राइट, 20,111 का लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं पर भी ओपन होता है एंड इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है,
कैंडल क्लोज अगर होती है इस लेवल के ऊपर तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं इस पॉइंट पे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट इज 20,154 का एंड 20,194 का फाइनल टारगेट। देखो जिनके पास कम लॉट्स हैं सारे लॉट्स यहाँ पे लेकर निकल जाना, आपको ज़्यादा होल्ड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो आप यहाँ पे 70-80% लॉट्स बुक कर सकते हो एंड फिर आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कॉल का ट्रेड बन रहा है इसमें। एनीवेज अब हम बात कर लेते हैं कॉल में और क्या ट्रेड बन रहा है। देखो अगर यहाँ पे और भी अपने पास ट्रेड्स बन रहे हैं कॉल की साइड में, तो अपना जो ये वाला लेवल है ना, देखो ये लेवल है अपने पास 20,038 का लेवल है, राइट। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है निफ्टी, पहली कंडीशन जो बताई थी मैंने आपको वो समझ में आ गई, ये सेकेंड कंडीशन। अगर मान लो ये जो अपना लेवल है 20,038 का लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल के नीचे आता है और ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। भले ही मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, ये यहाँ पे सेफ नहीं रहेगा लेना, ठीक है। क्या करना है हमें, हमें करना है, हमें क्या करना है, इसका वेट करना है वापस ऊपर आने का। हमें वेट करना है मार्केट यहाँ से नीचे जाके वापस अगर इस लेवल के ऊपर आ जाए और फिर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दे वापस से, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा एंड ये लेवल रहेगा आपका 20,111 का, राइट। ये आप कर सकते हो, ट्रेल करना चाहो तो आप इस लेवल तक के लिए ट्रेल कर सकते हो, आप देख लेना, बट यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। ये आपका ट्रेड बनेगा। एंड अब बात कर लेते हैं पुट साइड में, कॉल साइड में ये ट्रेड। अच्छा, अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए तो उसका भी सेम वही है। अगर मान लो गैप अप ओपन होता है ना इस लेवल के ऊपर, अगर कहीं पे चाहे मार्केट यहाँ पे ओपन हो चाहे कहीं पे भी ओपन हो, तो आप यही सेम चीज़ करोगे। अच्छा, इस अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होता है ना, उस केस में बताया था मैं आपको। देखो इस लेवल के ऊपर अगर मान लो ओपन हो जाए, ये लेवल है अपना 20,111 का लेवल है, तो अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होता है ना कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, सो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका नीचे आने का वेट करेंगे, राइट। और नीचे कहीं से भी अगर वापस आता है रिवर्सल वगैरह लेके, कहीं से भी वापस अगर इस लेवल के ऊपर आ जाए और फिर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फिर हम यहाँ पे अगेन इस लेवल के, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं एक सेकेंड। देखो अगर मान लो हमारा ये जो लेवल है, ये थर्ड कंडीशन है कॉल की, तो अगर ये लेवल है 20,111 का लेवल, तो इस लेवल के अगर ऊपर ही ओपन होता है ना निफ्टी, तो हमें क्या करना है, वेट करना है इस लेवल के नीचे जाने का। मार्केट जब इस लेवल के नीचे आएगा, घूम फिर के वापस जब इस लेवल के ऊपर आए, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे जब वापस आ जाए ऊपर, कैंडल क्लोजिंग दे दे वापस ऊपर आके, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड फाइनल टारगेट आप यहाँ तक के लिए कर सकते हो ट्रेल। 20,154 का फर्स्ट टारगेट, 20,194 का फाइनल टारगेट। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे लेकर निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स हैं आप यहाँ पे 70-80% लॉट्स बुक करके ट्रेल कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये अपना कॉल का, कॉल की जो सारी अपनी कंडीशंस बन रही हैं, कॉल के लिए जो अपने सेटअप्स बन रहे हैं वो अपने हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं पुट साइड में। देखो पुट साइड का ट्रेड हम तभी ले सकते हैं जब मार्केट अपने इस लेवल के नीचे आ जाए। देखो अगर मान लो मार्केट ये जो लेवल है ना अपना, ये वाला 19,915 का लेवल है, तो इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता, इस लेवल के अगर मान लो ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है कहीं पे भी, तब तक जब तक इस लेवल के नीचे ना आ जाए ना मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यहाँ पे कोई पुट का ट्रेड अभी नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा होता है इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट देता है, इन केस वैसे पॉसिबिलिटी कम लग रही है, बट अगर ऐसा हो जाए पुट का ट्रेड अपना यहाँ पे फिर बनेगा। इस लेवल के नीचे आने के बाद पुट आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड फाइनल टारगेट आपका ये लेवल रहेगा। सो 19,863 का फर्स्ट टारगेट, 19,805 का फाइनल टारगेट। देखो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई ट्रेड ले ही नहीं सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने आपको जो क्लास में सेटअप्स बता रखे हैं या फिर जो भी आपको यूट्यूब वगैरह पे चीज़ें समझा रखी हैं, सिखा रखी हैं, उसके बेस पे अगर हमारा इस जोन में कोई दूसरा ट्रेड बनता है तो वो हम बिल्कुल लेंगे। क्लास वाले सेटअप्स तो बनेंगे तो वो कहीं भी बने वो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रूल्स वगैरह बता रखे हैं उसका ध्यान रखना बस, ट्रेड वो हम कहीं भी ले सकते हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ चार्ट पे जो है उसके बेस पे अभी हमारा यहाँ पे इस जोन में पुट का ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है। सो ये सारे ट्रेड्स हो गए निफ्टी का। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बट अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करने से पहले, जो मैंने बिटकॉइन का ट्रेड है वो आपको मैंने ग्रुप में दे दिया है, जो टेलीग्राम ग्रुप है प्राइवेट ग्रुप, यहाँ पे मैंने दे दिया है बिटकॉइन का ट्रेड ये वाला, ठीक
ठीक है, बिटकॉइन में ट्रेड मैंने दे दिया है। सो देख लेना जिनको भी चाहिए था बिटकॉइन का, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बना हुआ है, तो वहाँ पे देख लेना। प्लस अगर आपको ये प्राइवेट ग्रुप, ये फ्री है सबके लिए ऑफकोर्स, तो ये अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। प्लस मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स भी दे देता हूँ, जो भी जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का, यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल भी दे रहा हूँ। सो ये प्राइवेट ग्रुप में आपको मैं जो है बिटकॉइन वगैरह का, क्रिप्टो का ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग वहाँ पे करते हैं, आप लोग पता है, तो वहाँ पे मैं सारे ट्रेड्स जो है अपने शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है क्रिप्टो में, वो देखना है, वो सीखना है, तो आप मेरे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाना यहाँ पे, एंड आपको ये वाली प्लेलिस्ट देख लेनी है, क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में सब कुछ समझा रखा है, तो ये देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, ऑप्शन सेलिंग बाइंग सब कुछ एक्सप्लेन है। प्लस कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है, डेल्टा एक्सचेंज। और मुझसे ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आपको पता ही है। सो उन सबको मैं एक ही बार यहाँ पे बता देता हूँ डेली वीडियो में। सो ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म अगेन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो ब्रोकरेज वगैरह ठीक है, सस्ता है। प्लस जो मेजर इसका जो फीचर है वो ये है कि फंड्स को डिपॉजिट करना प्लस विड्रॉ करना, जो कि विड्रॉ करना सबसे एक आप कह सकते हो पेन पॉइंट होता है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का, विड्रॉ करने का, क्योंकि वो थोड़ा सेफ नहीं रहता, बट यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। सो ये चीज़ जो है सेफ है, क्योंकि हमें पी टू पी वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज़ वाई हम डेल्टा एक्सचेंज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। कैसे यूज़ करना है अगेन इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ समझा रखा है, तो आप देख लेना, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप वगैरह का सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर यू गाइज, आप जो भी सीखना चाहो कर सकते हो देख के। ओके, अब हम वापस आते हैं बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं, हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में एक सेकेंड, हाँ, सो बैंक निफ्टी में अपने पास जो ट्रेड्स बन रहे हैं कल के लिए, वो अपने पास देखो ये है। अच्छा, कल थर्सडे, तो आपको पता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो आज थी, निफ्टी की एक्सपायरी कल रहेगी, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, बता ही रखा मैंने आपको पहले भी। बैंक निफ्टी जो है ये अपने पास बैंक निफ्टी का लेवल है, विच इज़ अगेन ये आप बोल सकते हो 45,989, मतलब 46,000 का राउंड नंबर आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। ये जो अपना लेवल है, ये वाला लेवल 45,989 का लेवल, तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी ओपन होता है एंड हमारे इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। अब देखो अगर कल मार्केट का मूड हुआ तो पूरा यहाँ तक का टारगेट एक बार में दे देगा, जो कि आपका है 46,300 का। अगर मार्केट का मूड हुआ कल बैंक निफ्टी का, तो यहाँ तक का पूरा टारगेट दे देगा, नहीं तो क्या करेगा कि मार्केट ना यहाँ पे इस वाले लेवल पे जाके थोड़ा फंसने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या करना है उस केस में हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये लेवल है अपना अगेन 45,989 का लेवल है, ये वाला 45,989। इस लेवल के नीचे अगर ओपन होगा बैंक निफ्टी एंड इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे, राइट। और अगर आपके पास कम लॉट्स हैं तो आप यहाँ पे ना आते ही सारे लॉट्स एग्जिट मार के निकल जाओ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये छोटा टारगेट नहीं है, अगेन आप देखोगे अगर ध्यान से, इट्स अबाउट 100 प्लस पॉइंट्स, यस 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा का यहाँ पे आपको, 100 पॉइंट से ज़्यादा का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। छोटा मोटा टारगेट नहीं है, टारगेट बड़ा है। आपको पता है जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे टारगेट देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको कोई ट्रेड देता हूँ तो कम से कम 200 पॉइंट्स का होता ही है, और आज भी आप जो बैंक निफ्टी का ट्रेड था वो भी 200 पॉइंट्स का। निफ्टी में अगर मैं आपको कोई ट्रेड देता हूँ तो आपको पता है 40-50 पॉइंट्स का होता ही है ट्रेड, राइट। यहाँ पे देखो टारगेट जो है, अगर आपका कम लॉट्स हैं आपके पास तो आप क्या करोगे, अपने पास आपके पास जो ये लेवल है 45,989, इस लेवल के नीचे अगर ओपन होगा बैंक निफ्टी और इस लेवल के ऊपर आके फिर ब्रेकआउट देता है और कैंडल क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेना। अगर आपके पास कम लॉट्स है तो सारे लॉट्स आप यहाँ पे लेके निकल जाना। अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो देखो यहाँ पे आते ही आप कुछ ट्रेल कर लेना, और आप कह सकते हो 50% तो कम से कम ट्रेल कर लेना। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेगा ज़्यादा देर तक, तो फिर आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग सारी करनी पड़ जाएगी। बट अगर मान लो यहाँ पे नहीं रुकता है, रिजेक्शन नहीं लेता, मार्केट जाया जा रहा है, तो फिर तो आपका यहाँ तक का ट्रेड पॉसिबल है कि मिल जाए। बीच में अगर आप चाहो तो बीच बीच में ट्रेल करते रहना, राइट। बट फाइनल टारगेट अपना यहाँ तक का जा सकता है। फिर 46,300 का ये लेवल है एंड ये जो फर्स्ट टारगेट है 46,104 का लेवल है। इस तरीके से आपका यहाँ पे कॉल का ट्रेड बन रहा है। एंड इन केस अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, अगर मान लो हमारा जो ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाए विच इज़ 45,989 अगेन,
इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी अगर ओपन हो तो हमें वेट करना है इस लेवल के नीचे जाने का। जैसे इस लेवल के नीचे आता है हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेना है, हमें क्या करना है वेट करना है, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, चाहे हो सकता है यहाँ से आए चाहे कहीं से भी आए, और अगेन इस लेवल के ऊपर अगर आ जाए और ब्रेकआउट दे दे इस लेवल के ऊपर, अब यहाँ पे फिर हम कॉल का ट्रेड लेंगे जिसमें अगेन ये फर्स्ट टारगेट और ये फाइनल टारगेट, ठीक है, ये वाला ट्रेड बनेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये हो गया। अब देखो और एक और कंडीशन बनेगी हमारे कॉल की, ये दो कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन जो अपनी बनेगी कॉल की वो ये है। सो अपने पास देखो ये सारे लेवल्स हैं, राइट, सो अपने पास ये लेवल्स हैं। देखो ये जो अपना लेवल है ना 46,618 का, ये लेवल है 45,618 का ये लेवल है। सो अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो हमें क्या करना है वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के यहाँ पे जाए और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है रिजेक्शन लेता है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कॉल बाय कर सकते हैं। अगर सपोर्ट लेता है तो कॉल बाय करेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये आपका रहेगा फाइनल टारगेट, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट 45,826 का है, फाइनल टारगेट 45,989 का है। अगर आपके पास कम लॉट्स हैं सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो आप यहाँ पे 70-80% लॉट्स बुक कर सकते हो और फिर फाइनल टारगेट यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, ये आपका रहा। बट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ना ले, ये वाला अगर सपोर्ट लेता है तो हमें यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना है, बट अगर मान लो सपोर्ट ना ले तो फिर क्या करेंगे। देखो ये जो लेवल है अपना 45,618, ठीक है, तो अगर सपोर्ट ले रहा है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, बट अगर मान लो इसके नीचे आके ब्रेकआउट दे दे तो फिर हम क्या करें। तो फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है वापस घूम फिर के आना है इस लेवल के ऊपर आने का। और जब इस लेवल के ऊपर आ जाए तो फिर उस केस में फिर आप यहाँ पे कॉल बाय करोगे जिसका टारगेट है ये रहेगा फर्स्ट और ये रहेगा सेकेंड सेम, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको पुट की, अगर हम पुट की बात करें जो कि पॉसिबल थोड़ा कम लग रहा है, तो पुट का ट्रेड देखो अभी बनेगा इस लेवल के नीचे ही बन पाएगा और इस लेवल के नीचे, बट वो भी शायद हो सकता है ट्रैप ही करे अगर इस लेवल के नीचे आता है भी है ब्रेकआउट देने, तो मार्केट जब तक होल्ड ना करे नीचे बहुत देर तक थोड़ा सा अच्छे से, तब तक हम यहाँ पे तब तक हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। ये अपना लेवल है 45,300 का, तो अगर इस लेवल के पॉसिबिलिटी कम है बट फिर भी अगर आता है हो सकता है गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा इस लेवल के नीचे जब आता है तभी हमारा पुट का ट्रेड बन पाएगा। एंड उसके लिए भी हमें क्या है इसके नीचे थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैप के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, तो क्या हम कोई कल पुट का ट्रेड नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, जो मैंने आपको क्लास में चीज़ें समझा रखी हैं, क्लास में अगर जिन्होंने भी क्लास ले रखी है मेरी लाइव क्लास, सो वो सेटअप्स जो मैंने आपको बता रखे हैं वो जहाँ भी बनेंगे वो आप लोगे, चाहे कुछ भी हो, सारे रूल्स का आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। एंड बाकी जिनको भी अगर लाइव क्लास ज्वाइन करनी है जो कि सैटरडे को होगी, आपको देख लेना वेबसाइट पर, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो जिनके भी मैसेज वगैरह आ रहे हैं। एनीवेज अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है, मज़ा आता है वीडियोस देख के, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करो ताकि मुझे मज़ा आए आपको देख के, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर रहे हो। एंड ऑलराइट, सो सी यू गाइस टुमारो एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।